शाने अवध लखनऊ में आप सभी का स्वागत है और हमारे सामने है नॉर्दर्न रेलवे जोन के लखनऊ चारबाग स्टेशन की भव्य इमारत। लेकिन हमारी ट्रेन यहां से नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के लखनऊ जंक्शन स्टेशन से रवाना होगी। तो आइए चलते हैं यहां से पैदल पैदल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के लखनऊ जंक्शन स्टेशन पर, और लखनऊ जंक्शन यहाँ से सीधा इस स्टेशन के दाएं तरफ है। ये दोनों स्टेशन अलग अलग जोन के हैं और अपने आप में डिवीजन है। ये वो जगह है जहाँ पर इंडियन रेलवे के दो जोन्स के साथ साथ दो डिवीजन्स का भी संगम होता है। बाएं तरफ ये लखनऊ एनआर डिवीजन है और यहाँ सीधे आगे दाएं तरफ लखनऊ एनआर डिवीजन। और लखनऊ चारबाग की ये खूबसूरत इमारत 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। लखनऊ चारबाग स्टेशन के सामने YG क्लास का मीटर गेज स्टीम लोकोमोटिव धरोहर के रूप में रखा गया है। बचपन से ही लखनऊ चारबाग की एक खूबसूरत इमारत मैं देखता चला आ रहा हूँ। मेरी बढ़ती उम्र के साथ साथ इस स्टेशन की खूबसूरती भी बढ़ती गई। वहां सामने है लखनऊ मेट्रो का चारबाग स्टेशन और हम पैदल पैदल चल रहे हैं लखनऊ जंक्शन की तरफ, जहां से कभी मीटर गेज यानी छोटी लाइन की ट्रेन चला करती थी और ये जा रही है लखनऊ मेट्रो। वर्तमान में लखनऊ जंक्शन से सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडगेज ट्रेन चलती हैं, लेकिन आज भी लखनऊ जंक्शन को लखनऊ छोटी लाइन के नाम से जाना जाता है। और लखनऊ चारबाग को लखनऊ बड़ी लाइन कहते हैं। ये है बड़ी लाइन का स्टेशन और हम चल रहे हैं लखनऊ छोटी लाइन की तरफ। ये वो चौराहा है जहां से आप लखनऊ चारबाग, लखनऊ जंक्शन और लखनऊ मेट्रो के चारबाग स्टेशन पर जा सकते हैं। सामने है लखनऊ मेट्रो का चारबाग स्टेशन। फाइनली हम लखनऊ छोटी लाइन यानी लखनऊ जंक्शन पहुंच चुके हैं। चलिए अब स्टेशन के अंदर प्रवेश करते हैं। चारबाग की तुलना में इस स्टेशन की बिल्डिंग थोड़ी छोटी है। अभी हम चलेंगे वहां ऊपर जहां पर रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम बनाए गए हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन यहां से रात के 11:55 पर रवाना होगी। आइए चलते हैं स्टेशन के अंदर। ये है लखनऊ जंक्शन का 3rd AC क्लास वेटिंग हॉल और कमाल की बात है कि यहाँ पर AC नहीं दिखाई दे रहे हैं। सामने लखनऊ आनंद विहार डबल डेकर ट्रेन की फोटो लगाई गई है। वेटिंग हॉल काफी ठीक ठाक हालत में है। आप इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके अपनी लोकेशन जरूर बताना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। रात हो चली है और हमारे दाएं तरफ लखनऊ चारबाग स्टेशन की भव्य इमारत जगमगा रही है। और लखनऊ चारबाग का स्टेशन कोड है LKO और इस स्टेशन पर टोटल 9 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहां पर अभी 2 प्लेटफॉर्म्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। कुल मिलाकर यहां पर भविष्य में 11 प्लेटफॉर्म्स हो जाएंगे। और लखनऊ जंक्शन का स्टेशन कोड LJN है और LJN यानी लखनऊ छोटी लाइन पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये 6 के 6 प्लेटफॉर्म्स टर्मिनेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं। लखनऊ चारबाग स्टेशन की इस खूबसूरत इमारत को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताना। इस समय हम लखनऊ जंक्शन स्टेशन की इमारत की बेलकनी पर खड़े हैं और वहां बाएं तरफ है लखनऊ मेट्रो का चारबाग स्टेशन, जहाँ लखनऊ मेट्रो झूमते हुए आती जाती रहती है। ऊपर से यहाँ का नज़ारा कुछ और ही दिखता है और नीचे से कुछ और। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगने वाली है और अब हम वेटिंग हॉल से बाहर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। इस वेटिंग हॉल में वेट करते करते काफ़ी समय बीत चुका है, इस वजह से काफ़ी नींद भी आ रही है। हो सकता है कि ट्रेन में बैठते ही मैं सो जाऊं और यात्रा भी यहां से सहारनपुर तक होगी। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 से रवाना होगी और सामने लखनऊ NER डिवीज़न के DRM का खूबसूरत सा इंस्पेक्शन कार ध्रुव खड़ा है और हम प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं। और यहाँ पर कैब वे की सुविधा भी उपलब्ध है। कमाल की बात है कि यहाँ कभी मीटर गेज यानी छोटी लाइन की ट्रेन चला करती थी। इस स्टेशन से 32 ट्रेन ओरिजिनेट होती है
और 30 ट्रेन यहाँ पर आकर अपनी यात्रा समाप्त कर देती हैं। रोजाना यहाँ से स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली जाती है और यहाँ पर 4 गरीब रथ, 8 सुपरफास्ट और 1 डबल डेकर ट्रेन भी है। और देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस भी यहीं से रवाना होती है। यहाँ आने वाली हर ट्रेन अपनी यात्रा या तो समाप्त कर देती है या फिर आगे जाने के लिए उस ट्रेन का लोको रिवर्सल करना पड़ता है। ऐशबाग मानक नगर बाईपास लाइन के बन जाने के बाद बहुत सी ट्रेन्स का यहाँ आना जाना बंद हो गया और वो ट्रेन्स ऐशबाग मानक नगर बाईपास लाइन से ऐशबाग के रास्ते निकलने लगी। हमारी ट्रेन के रेक को एक WDG 3A क्लास का लोकोमोटिव यहाँ पर शंटिंग करके ला रहा है। पहले ये ट्रेन डीजल लोकोमोटिव से एंड टू एंड संचालित होती थी, लेकिन मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन के चलते बहुत सारे डीजल लोकोमोटिव की बलि दे दी गई। इस ट्रेन के रेक के साथ किसी डीजल लोकोमोटिव को शंटिंग करते हुए देखना मेरे लिए काफ़ी भावुक पल था, क्योंकि ये लोकोमोटिव कभी इस ट्रेन को यहाँ से चंडीगढ़ जंक्शन तक ले जाया करता था। और आज ये हालात हो चुके हैं कि जिन लोकोमोटिव्स का कभी यहाँ पर राज हुआ करता था वो लोकोमोटिव आज यहाँ पर शंटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये है एल्को WDG 3A। इस ट्रेन को पहले यहाँ से एल्को WDM 3A, WDM 3D और EMD WDP 4D जैसे डीजल लोकोमोटिव्स खींच कर ले जाया करते थे, लेकिन अब इस ट्रेन को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन दिया जाता है, जैसे कि WAP 7 या फिर WAP 4 लोकोमोटिव्स। अब हम अपने कोच की तरफ बढ़ रहे हैं और ये ट्रेन है लखनऊ जंक्शन चंडीगढ़ सद्भावना एक्सप्रेस, जो वाया चंदौसी, मुरादाबाद, बिजनौर चलती है। सेम डेस्टिनेशन पर जाने वाली एक और ट्रेन यहाँ के लखनऊ चारबाग स्टेशन से रवाना होती है और वो ट्रेन है लखनऊ NR चंडीगढ़ सुपरफास्ट, लेकिन वो ट्रेन वाया बरेली, मुरादाबाद, लक्सर चलती है। फाइनली हम अपने कोच की तरफ पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर अभी कोचेस के दरवाजे बंद हैं। धीरे धीरे यहाँ सभी को अनलॉक किया जाएगा। हमारा कोच B1 वहाँ आगे है। अभी बहुत नींद आ रही है तो हो सकता है कि मैं ट्रेन के अंदर जाते ही सो जाऊँ। ये है इस ट्रेन का 3rd AC कोच। इस कोच की हालत काफ़ी अच्छी थी और ये ICF कोच है। रात में मुझे नींद आ गई थी और आँख खुली सुबह। बाहर मौसम कैसा है मुझे नहीं पता। इस ट्रेन की यात्रा को मैं सहारनपुर तक कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। हो सकता है कि मुरादाबाद तक ही मैं इस ट्रेन की यात्रा को समाप्त कर दूँ। हमारी ट्रेन इस समय मुरादाबाद जंक्शन से डिपार्ट कर रही है और ये अपने आप में एक डिवीज़न है और ये फेमस है ट्रेन्स को ट्रोल करने के लिए। और मैं खुद को काफ़ी खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मेरी ट्रेन यहाँ से समय से डिपार्ट कर रही है। इस समय हमारी ट्रेन मुरादाबाद दिल्ली लाइन पर चल रही है और इसी बीच गजरौला जंक्शन पर हमारी ट्रेन एक ब्रांच लाइन पर स्विच करेगी और फिर ये ट्रेन बिजनौर के रास्ते मुअज़्ज़मपुर नारायण जंक्शन पहुँचेगी, जहाँ पर इस ट्रेन का लोको रिवर्सल होगा और फिर ये ट्रेन सहारनपुर की डायरेक्शन में अपनी आगे की यात्रा तय करेगी। और पीछे भी ये ट्रेन बरेली कैंट बाईपास लाइन से चंदौसी होते हुए मुरादाबाद जंक्शन पहुँची थी, लेकिन उस वक्त मैं सो रहा था। है ना इस ट्रेन का रूट कमाल का। लेकिन लखनऊ NR चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस सीधे रूट पर चलती है, वो यहाँ से किसी ब्रांच लाइन पर नहीं स्विच करती। और अगर इन दोनों ट्रेन्स के कंपैरिजन की बात की जाए तो लखनऊ चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस मात्र 11 घंटे 40 मिनट में लखनऊ से चंडीगढ़ का सफ़र तय करती है, जबकि लखनऊ जंक्शन चंडीगढ़ सद्भावना एक्सप्रेस जिसमें मैं सवार हूँ ये 15 घंटे 55 मिनट में लखनऊ से चंडीगढ़ का सफ़र तय करती है। इन दोनों ट्रेन्स के समय में ये भारी अंतर आता है इन दोनों ट्रेन्स के डिफरेंट रूट और स्टॉपेजेस की वजह से। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन दोनों ट्रेन्स में से आप किसे चूज़ करेंगे और मुरादाबाद से कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।